नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि माता लक्ष्मी की उस पर कृपा बरसे और माता लक्ष्मी का उसे असीम अनुकंपा भी मिले। सभी लोग कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। यह उनकी गलती की वजह से ही होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होता या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी का आपके घर में आवाहन ही नहीं हो पाता। तो आज मैं बताती हूँ ऐसी कौन सी चीजें हैं यदि आप अपने घर में रखते हैं जिसकी वजह से माता की कृपा आप पर नहीं बरस पा रही है या फिर माता का आना नहीं हो पा रहा है। तो आज जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं। नंबर एक, यदि आपके घर में कुछ टूटी हुई चीजें हैं या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और आप उस चीज का इस्तेमाल फिर भी कर रहे हैं, तो वह चीजें जल्दी ही आप घर से बाहर निकाल दीजिए। अक्सर देखा जाता है आपके घर में कांच के बर्तन होते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें होती हैं जो किनारे से चटकना शुरू हो जाती है, कांच के बर्तन टूटने शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी आप अपने घर में थोड़े से संभाल के रख देते हैं या फिर थोड़े से हल्के से भी चटक रहे हों तो वह बर्तन आप इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो ऐसे बर्तनों को आप जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जहाँ भी अगर आप टूटे हुए बर्तन या फिर चटके हुए बर्तन भी अपने घर में रखते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को ऐसा घर पसंद होता है जहाँ पर हमेशा साफ सफाई रहती हो, घर में हमेशा चीजों का खास ख्याल रखा जाता हो। यदि आपके घर में मिरर है और मिरर आपका चटक रहा है या फिर थोड़ा सा भी टूट रहा है तो उसे जल्दी से अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि यदि आपके घर में टूटा हुआ कांच है या फिर टूटा हुआ मिरर है जिसमें आप अपनी प्रतिबिंब देखते हैं तो वह प्रतिबिंब आपका थोड़ा आड़ा टेढ़ा नजर आता है, तो वह आपकी छाया को जितनी तरह से काट रहा है वह आपकी सुख सुविधाओं को भी काट देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सारी सुविधाएं मिले, सुख शांति मिले और आपके जीवन में किसी चीज की भी कमी ना हो, तो उसके लिए आप टूटे हुए मिरर को घर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कभी परेशानियां हो रही हैं, परेशानी होने की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि वह परेशानी किस कारणों से हो रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि घड़ियां, हम सभी जानते हैं कि अगर हम समय के पाबंदी हैं और समय के पाबंदी होने के बाद आप अपनी घड़ियों के हिसाब से चलते हैं और कभी ऐसा होता है कि आपकी घड़ी रुक जाने पर चलना शुरू कर देती है और चलने के बाद फिर वह रुक जाती है तो वह 10-15 मिनट आप लेट हो जाते हैं। यदि आपकी घड़ी अचानक से बंद हो जाए और बंद होने के बाद आपको टाइम का बिल्कुल भी पता ना चले कि आपको कितने बजे जहाँ जाना है या मीटिंग के लिए जहाँ जाना है और वहाँ आप 10 या फिर 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वह आपको सुनाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो इसलिए यदि आपकी घड़ी बंद है तो आप कोशिश करें कि बंद घड़ियों की जगह पर आप सही घड़ी लगाएं या फिर सेल को बदल दें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घड़ियां बंद होने से आपका टाइम का शेड्यूल भी बदल जाता है जिससे आपको और भी ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि इस दिवाली माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे तो जितनी भी बंद घड़ियां हैं या फिर खराब घड़ियां हैं वह जल्दी ही अपने घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। तो ये हैं कुछ ऐसी चीज़ें यदि आप अपने घर में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर कृपा नहीं बरस पाती है, तो कोशिश करें जल्दी ही इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालने की जिससे कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।